नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र श्री करेली धाम में पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कथा के दौरान जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान लोग झूमने नाचने गाने लगे। इस मौके पर कथा व्यास पंडित स्वरूपानंद राम जी महाराज ने कहा कि मनुष्य के जीवन में अच्छे व बुरे दिन प्रभु की कृपा से ही आते हैं। उन्होंने कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई। कथा सुनकर सारे श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेली की रिपोर्ट। हमारी कसम, सोच लेना हमारी जिंदगी गांव में रहे। दादा की होशी रखती हूँ। हाँ, क्या करती हूँ? कितना पूछती है माताएं। एक बार श्री गणेश शुरू हुआ, कभी कभी मैं भी फंस जाता हूँ, है ना। ट्रेन में सफर करते करते फंस गया। सबसे पहले तो अगर सामने रिजर्वेशन होगा ना, आंख फाड़ के देखेगी। राधे राधे, यहाँ से श्री गणेश आया शुरू। महाराज जी हैं आप? जी। ऐसे कपड़े क्यों पहनते? कथा करता हूँ, राम कथा भागवत दोनों पढ़ते। शादी हो गई, बच्चे अच्छे हो गए। इतना पूछती है, इतना बस बोलना पड़ता, बस मेरी माँ जरा इतना पूछा। बातें करते करते पहुंच गए वो द्वार, बाबा जी नंद बाबा। जैसे दरवाजे पर पहुंचे, मैया यशोदा ने सोचा कि शायद ये है ना कोई दूसरे रिश्तेदार होंगे, भेद नहीं था, कोई आया होगा। कानून लाला को स्नेह करो, फिर आओ, फिर जाके तुम्हें कुछ ला दी नाश्ता पानी। उतना को दे दिया,
कूदना ने लिया और आकाश में उड़ना चालू कर दिया। भाग गई लेकर के मारने के लिए आई थी ना, इस तरह में जहर लगा करके आई थी। भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, देखा नहीं। क्यों? छोटा बच्चा है, कहाँ खोलता है, जब हिला उठला तब खोलता है। एक महात्मा ने कहा वो बात ना है, क्या बात है रही? बोली आप ये देख रहे यार पुण्य कितने करे, वही देख रहे कि पुण्य देने के लिए माँ की गति प्रदान करना ना, स्थान पान तो माँ का किया जाता तो थोड़ी देर बाद हमारी माँ बन जाएगी, और राक्षसी है जिसकी पुण्य है क्या नहीं ये देखा। एक महात्मा ने कहा जो भी वो देखा तो गया, बात लेके स्तनपान कराने लगी। धीरे धीरे भगवान ने स्तनपान किया, अब ऑक्सीजन सा बंद होने लगा पुतना जी का। पुतना ने कही छोड़ लाला भगवान छोड़ेगा, भगवान बोल पड़े मौसी जी मुझे पकड़ वो आवे छोड़ दे तो आवो ही ना है। बोलो बाकी बिहारी लाल की पुतना भी घबरा के धाम से गिरी पर 6 महीने 7 दिन का बच्चा बोल रहा है। पुतना के ऊपर भी भगवान ने कृपा किया, मर गई। पूरे ब्रज में हल्ला मच गया, इतनी लंबी थी ना। एक पंडित जी का धामे कह रहे थे पूतना इतनी लंबी थी, कान गिरा कानपुर में, नाक गिरी नागपुर में, उस गादी फेंक दिया ना। बड़ी तो चीज है, इतनी तो हम भी विश्वास नहीं करेंगे, भागवत जी भी इतना लिखा है ना। तो लगभग 6 कोष की